वैसे तो हमारे जीवन में प्रत्येक दिन का विशेष महत्व होता है, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। और उनमें से एक दिन है धनतेरस का, जो वर्ष में एक बार आता है। और एक महान दिन है, एक बड़ा दिन है, वह है दीपावली का, जिसका वर्ष भर हमें इंतज़ार रहता है। 5 नवंबर को है धनतेरस और 6 नवंबर को है छोटी दिवाली और 7 नवंबर को है बड़ी दिवाली। तो सन 2018 की दिवाली धनु राशि वालों के लिए कैसी जाएगी, इस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो इनवाइट में, और बहुत बहुत अभिनंदन के साथ आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखें। तो जल्दी से शुभारंभ करते हैं इस वीडियो का। 5 तारीख को आपको नौकरी में इंक्रीमेंट या कोई बढ़िया अवसर मिल सकता है आगे बढ़ने का। आप आज के दिन घर व ऑफिस के काम में काफी भाग दौड़ करेंगे और छोटी मोटी यात्रा पर भी आपको जाना पड़ सकता है, और जो यात्रा आपके लिए शुभ रहेगी, लाभदायक रहेगी। नौकरी करने वालों के लिए उम्मीद से बढ़िया परिणाम आपको मिलेंगे। आज के दिन आपके काम की तारीफ होगी, आपके काम को एग्जाम्पल के तौर पे रखा जा सकता है कि देखिए कितना बढ़िया काम और कितनी मेहनत से इन्होंने यह काम किया है, इसकी एक मिसाल दी जा सकती है। और आपको उसी बढ़िया काम की वजह से कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, अपने ऑफिस में, या कहें कुछ अच्छा इंक्रीमेंट मिल सकता है जो धन से भी जुड़ा होगा और पदोन्नति से भी जुड़ा होगा। यदि आप व्यापार में हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया परिणाम मिलेंगे और प्रसन्नता भी आपको खूब मिलेगी। परिणाम के साथ खुशी मिल जाए तो समझ लीजिए दोहरी खुशी हो जाती है। और कुछ ऐसी खबर आपको आज के दिन मिल सकती है जो आपको बहुत खुश कर देगी, जिस खबर का आपको बहुत लंबे समय से इंतजार था, या कहें आपकी किसी मेहनत का फल आपको आज के दिन मिल जाएगा जिसका आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, और आप प्रसन्न हो जाएंगे। इतनी खुशखबरी होगी, इतनी बढ़िया खबर होगी कि हो सकता है आपकी आंखों से खुशी के आंसू ही क्यों ना निकल पड़े। लेकिन इस बढ़िया खबर का आपको स्वागत करना चाहिए और आप करेंगे भी। आपका व्यापार आपको मुनाफा देगा, हर प्रकार के सुख आपको मिलेंगे। धनतेरस वाला दिन है, नौकरी और व्यापार करने वाले दोनों ही लोगों को बढ़िया परिणाम मिलेंगे। पढ़ने लिखने वाले छात्रों को भी बहुत सुंदर परिणाम मिलेंगे, उनका आगे आने वाला भविष्य बहुत बढ़िया होगा। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आज के दिन उनके साथ हो सकती हैं, उनको अच्छी सलाह मिल सकती है, अच्छी काउंसलिंग हो सकती है, अच्छा मित्र मिल सकता है, या उनको शिक्षा के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। आज के दिन आपको सोने में निवेश करना बहुत ही शुभ रहेगा। आज के दिन आप लोग चांदी भी खरीद सकते हैं। आज के दिन आप माँ लक्ष्मी की आराधना करना बिल्कुल भी ना भूलें, कुबेर देव की आराधना करना बिल्कुल भी ना भूलें, और भगवान धन्वंतरि से वेल्थ और हेल्थ के साथ साथ कुबेर देव से धन के लिए भी प्रार्थना करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो कुल मिला के धनतेरस वाला दिन जो है वह आप सभी नौकरी करने वाले, व्यवसाय करने वाले छात्रों के लिए और बाकी अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए जो भी, कोई ऐसा नहीं है कि जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं उनको ही लाभ होगा, कोई छोटे व्यापार में है, छोटी नौकरी में है, चाहे कोई किसी कंपनी का CEO हो, चाहे कोई व्यक्ति किसी साइकिल की दुकान में पंचर ही क्यों ना लगाता हो, तो हर धनु राशि वाले व्यक्ति को यह दो दिन, एक तो धनतेरस वाला दिन और आगे आने वाली दीपावली में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। सबका अपना अपना काम है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सभी लोग सामान्य हैं और सभी को ईश्वर सामान्य दृष्टि से देखता है। तो हर वर्ग के लोगों को फायदा होगा, चाहे वह छोटा हो चाहे वह बड़ा हो। अब बात करते हैं 6 नवंबर की, यानी छोटी दिवाली की।
मुझको यह कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं हो रहा है कि चंद्रमा का लाभ स्थान में बैठना आपको बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन फल देगा और अनेक प्रकार की शुभ समाचारों के साथ यह छोटी दिवाली आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगी। आपको प्रसन्नता मिलेगी, आप प्रसन्न रहेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे भी और प्रसन्नता का लाभ और उसका उसको एंजॉय कर पाएंगे। देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि जिसके पास प्रसन्नता हो, मौका मिल जाए उसका वह फायदा उठा सके। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत धन है लेकिन प्रसन्न नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने खाने की थाली सजी की सजी रह जाती है लेकिन खा नहीं पाते हैं। तो प्रसन्नता मिलेगी तो उस प्रसन्नता को आप अपने जीवन में उतार भी पाएंगे, तो यह बहुत बड़ी बात है आपके लिए। आज के दिन माँ लक्ष्मी के द्वारा आपको धन प्राप्ति का आशीर्वाद मिलेगा। आप एक नए सुंदर भविष्य की नींव रख सकते हैं 7 तारीख को, यानी महापर्व दीपावली वाले दिन। आपको परिवार के हर सदस्य का साथ और प्यार मिलेगा और सुंदर तरीके से आप यह दीपावली परिवार के साथ, मित्रों के साथ मना पाएंगे। आपको अपनी पत्नी या कहें जीवन साथी का साथ मिलेगा या पतिदेव का साथ मिलेगा। आप सुंदर वस्त्र खरीदेंगे इस दिन। आपको बहुत बढ़िया बढ़िया मिठाई खाने को मिलेंगी और बहुत बढ़िया बढ़िया आभूषण भी आपको सरप्राइज के तौर पे मिल सकते हैं। हो सकता है आपको आपके परिवार के बड़े कुछ ऐसा गिफ्ट दें जिसकी आपने उम्मीद ना की हो और यह दीपावली और बेहतरीन हो जाए उन गिफ्टों को या कुछ ऐसी खुशखबरी को पाके जो आपने सोची ना हो। तो कुल मिला के दीपावली धनु राशि वालों के लिए बहुत ही सुंदर जाने वाली है। यदि आप प्रेम संबंधों में हैं तो भी आपके प्रेम संबंध गहरे होंगे और विचारों का आदान प्रदान होगा और आप लोग एक नए भविष्य की तरफ एक सुनहरा कदम बढ़ा सकते हैं। आपको शुभ समाचार मिल सकते हैं यदि आप अविवाहित हैं। आप यदि विवाह करना चाहते हैं तो आपके किए गए प्रयासों में आपको इन 3 दिनों में कोई शुभ परिणाम मिल सकता है, तो अविवाहित लोगों के लिए भी बढ़िया है। और यदि आप विदेश जाके कुछ काम करना चाहते हैं, विदेश में पीआर के लिए अप्लाई किया हुआ है या नौकरी करना के लिए आपका मन बन रहा है तो वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ बेहतर परिणाम अवश्य मिलेंगे। या आप कहें आप कुछ विदेश जाने के लिए आज के दिन कुछ नया सोच सकते हैं, कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए आप सभी लोग दीपावली वाले दिन उनकी पूजा करें और बढ़िया तरीके से करें। हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें आपको शुभ मुहूर्त और अन्य बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं जिनको देखकर आप इस दीपावली को और बेहतर बना सकते हैं और सुंदर बना सकते हैं। आप सभी प्रियजनों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर से बस एक चीज का आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा, वह चीज है आपको सेहत को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं रखनी है और किसी भी प्रकार के विवादों में नहीं फंसना है और वाणी को बहुत मधुर रखना है। इन 3 चीजों का ध्यान रख लिया तो यह दीपावली बहुत ही सुंदर रहेगी। 5, 6 और 7 तारीख आपको विशेष शुभ फल देगी और आप इसको एक लंबे समय तक इन 3 तारीखों को याद रखेंगे। तो चलिए आप सभी लोग दीपावली के पर्व को बहुत अच्छे से मनाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। हरिओम, नमस्कार।